गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वही 8th क्लास के साइंस के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गेप ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल आए थे तो लेसन नहीं मिल पाए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ में एक मैं चैप्टर को बताता था, ये थोड़ा चैप्टर लेंथी था और थोड़ा डिटेल्स में है तो उसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेना, हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर से, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, हमारा वही चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर, यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं, हम इस ज्यादा पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ लिया था सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ रहते हैं और किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं। यानी कि हमने अपने यही बारे में पढ़ लिया था कि सूक्ष्म जीव वाले मित्र होते हैं वो हमारे किस पर्टिकुलर हमारे लाइफ के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारे जीवन चक्र होता है उसमें कहाँ का इंपॉर्टेंट रोल करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट में आने वाले थे। अगर हम मित्र के बारे में पढ़ चुके थे, फ्रेंड के बारे में पढ़ चुके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे फ्रेंडली नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, इस बारे में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं शत्रु या फोई की बात करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे के सारे हमारे लिए फ्रेंडली थोड़ा होते हैं, सारे के सारे हमारे फायदेमंद थोड़ा होते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे हार्मफुल यानी कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे से समझने के लिए जरूरत होती है कि हो सकता है कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सपोज करता हूँ कि वो मेरे लिए फायदा देते हैं मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए एज अ फ्रेंडली है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि जो अगले जो अगले स्पीसीज होते हैं जो नेक्स्ट स्पीसीज होती है या बाकी की स्पीसीज होते हैं उनके लिए भी फ्रेंडली हो, जरूरी नहीं होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स के लिए तो क्या होते हैं बेनिफिट्स वाले होते हैं, उनको फायदा देते हैं, उनके लिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। लेकिन वही बैक्टीरिया वही वायरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी सूटेबल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो जानवरों के लिए प्लांट्स के लिए क्या होते हैं फायदेमंद हो सकते हैं, बेनिफिट्स वाले हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं वो नुकसान वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम इतना पढ़ चुके हैं कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, यानी कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल के लिए या हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं उस बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अब इतनी चीज में बता देता हूँ कि जो होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि जैसे दही वाला पढ़ लिया था, मिट्टी के अंदर जो उर्वरक को बढ़ाने वाला होता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ये हमारे फायदे वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन फर्टिलिटी को बढ़ाने के बाद क्या होता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्या माइक्रो की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, या जैसे मैं बात करता हूँ जैसे हमारा दही होता है, ठीक है, दही के अंदर वो सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए फायदा देते हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वो किसी और चीज के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमारे लिए नुकसान बन जाते हैं। जैसे बोला जाता है आपको कि दही को कभी तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता क्योंकि वो अलग रिएक्शन कर देते हैं, तब वो हमारे लिए नुकसानदायक रहता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हार्मफुल होते हैं ये। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन चक्र के लिए कभी कभी नुकसानदायक होते हैं, कुछ से होते क्या फायदेमंद वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये हम कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं कि हमारे लिए कौन से फायदेमंद होते हैं, प्लांट्स के लिए कौन से होते हैं और एनिमल्स के लिए कौन कौन से हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, पहला लिखा हुआ है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी कि क्या लिखा हुआ है डिजीज, यानी कि डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ये हिंदी मीडियम से जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि मैं जब लैंग्वेज बोलता हूँ भाषा में बात करता हूँ तो मैं सारी चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, इसलिए हमारा टाइम भी बच जाएगा और आपको इजीली समझ आएगा। पहला लिखा हुआ है डिजीज कॉजिंग यानी कि पकड़ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस, यानी कि कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा किसके अंदर इंसानों के अंदर आ जाती है, यानी कौन कौन सी बीमारियाँ सूक्ष्म जीव के द्वारा इंसानों में आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। ठीक है, पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, कि जब भी कोई बीमारी जो सूक्ष्म जीव के द्वारा किसी चीज में बाय चाहे प्लांट्स हो चाहे इंसान हो चाहे किसी के अंदर भी जाते हैं उसको रोगाणु बोला जाता है या रोग जनक बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है, याद रखना पैथोजेंस बोला जाता है या रोगाणु बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है कि डायरेक्टली ये नहीं हो सकता कि हम
जैसे मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो जरूरी नहीं है कि सूक्ष्म जीव से मुझे कोई खतरा होता है, ये डायरेक्टली कभी नहीं होता, ये इनडायरेक्टली प्रोसेस कंप्लीट होता है। हो सकता है कि मुझे किसी न किसी ट्रांसफर के थ्रू मिला हो, मुझे किसी किसी चीज के थ्रू मिला हो, जैसे अभी एक वायरस फैल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये आप घर पे रहते हो सेफ रहते हो तब तो ये वायरस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी चीज को टच करते हो या कोई इंसान आपको टच करता है तो आपको फैल रहा है, यानी किसी न किसी चीज के थ्रू आ रहा है, किसी किसी वस्तु के द्वारा आप तक फैल रहा है जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा सूक्ष्म जीव भी क्या होती है, एक चीज से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई चीज यूज करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये एयर के थ्रू हवा के थ्रू आते हो, ठीक है, हो सकता है खाने के द्वारा आते हो सकता है भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा या बाकी की चीजों के द्वारा आपके घर में आपके मुंह में आपके अंदर चले जाते हो, ये अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एयर की बात करता हूँ तो एयर का जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं कि माइक्रो एयर के थ्रू आगे वाले इंसान में फैलते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू था या अभी कोरोना वायरस हो रहा है, ठीक है, जब ये बोलते तो क्या होता है ये वायरस क्या होता है एयर के अंदर जाता है, एयर के अंदर क्या होता है बहुत सारे वायरस जो होते हैं जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि नैनो पार्टिकल जिसमें साइज के होते हैं ये दिखाई नहीं देते हवा के अंदर, ठीक है, लेकिन जब आप सांस ले लो तो सारे के सारे वायरस आप अंदर ले लेते हो, फिर आप भी क्या होते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, आप भी कैसे होते हैं उस वायरस के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हवा के द्वारा फैलता है, साथ ही जैसे कि गंदा पानी पी लेते हो तो गंदे पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो भी आके बॉडी में चले जाते हैं, तो आपको वहाँ पे भी क्या होता है डिजीज वायरस के जाती चीजें। अब खाना खाते हो खाने को लंबे टाइम तक रखकर जाने के बाद उसमें क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं पैरने लग जाते हैं, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत सारी जो फंगस होते हैं उसमें लग जाती है, अब उस चीज को खा ले तो आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है और बॉडी में जाने के बाद क्या होता है ये आप बीमार हो जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ कि अगर ये किसी भी चीज के थ्रू जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ये डायरेक्टली होते हुए जाएगा, यानी किसी ने किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं किसी किसी चीज के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है इसको संचरण रोगाणु बोला जाता है, ठीक है, या फिर इसको बोल सकता हूँ कम्युनिकेबल पैथोजेंस बोला जाता है, ठीक है, यानी कि ये बॉडी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही जाता है, चाहे वो वॉटर हो चाहे एयर हो चाहे कुछ भी हो एनिमल, ठीक है। तो इन चीजों को क्या बोला जाता है ये हमारा आ जाता है ह्यूमंस के अंदर आ जाता है, यानी कि ह्यूमंस में डायरेक्टली वायरस में आता है, एयर के थ्रू हो सकता है, भोजन के थ्रू हो सकता है, फूड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, या किसी ह्यूमन बॉडी के टच में आने या फिर किसी और चीज के टच में आने से ही बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और हमें डिजीज करता है, ठीक है। अभी ह्यूमंस के अंदर कितनी डिजीज आती है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे पूरे टेबल है, ठीक है। अब एक और चीज हो सकती है कि अगर हम किसी चीज के कॉन्टेक्ट में नहीं जाए, पहले चीज तो मैंने बताते हैं कि हम किसी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी किसी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उसके टच में आ रहे हैं, ठीक है, उसके संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन अगर सपोज करो आप किसी इंसान के संपर्क में भी नहीं आओ फिर भी आप बीमार हो इसका क्या रीजन होता है, आप घर बैठे बीमार हो उसका क्या रीजन होता है, तो उसका रीजन होता है कि आप तो किसी इंसान की किसी की गंदी चीज की या ऐसी चीजों पे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं हो, लेकिन क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट या बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो इनको क्या करती है वायरस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरी जगह से अपनी आदत ले आती है, यानी वो कैरी करती रहती है। एग्जाम्पल देता हूँ मक्खियों का, ठीक है, हमारे घर में आज बहुत मक्खियाँ होती है, जैसे अभी चलेगा ठीक है समर सीजन चलेगा मक्खियाँ बहुत हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है मक्खियों की ये हैबिटेचुअल होती है आदत होती है कि वो गंदी जगह पर बैठती है, वो गंदी जगह बैठती है, गंदी जगह बैठते तो बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे वायरस उनके पेड़ों पर लग जाते हैं, वो उड़ती भी अपने घर पर आती है जैसा कि बहुत सारी जगह बैठ जाती है अपने खाने पर बैठती है, तो वो क्या होता है जहाँ बैठती है तो वहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे क्या होते हैं वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाने के ऊपर चले जाते हैं, और भाई हम खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर फिर क्या होता है सूक्ष्म जीव चले गए तो हम बीमार होने लग जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले चीज़ तो हमने देख लिया था कि कम्युनिकेट हो जाती है यानी कि हम देखते हैं कि किसी चीज़ का टच होने से फैलता है, दूसरी चीज़ हो जाती है कि मक्खियाँ ले आती है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ एक मच्छरों का जिसका नाम है एनाफिलीज मस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मस्किटो यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, ठीक है, ये पानी के अंदर जितने भी पानी जो मच्छर की जितने भी प्रजातियाँ होती है बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, गोल्डन कलर के भी होते हैं, सिल्वर कलर के भी होते हैं, बहुत सारे मच्छर होते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है इनकी अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैलती है, ठीक है, तो उसमें से पहला जो बता रहा हूँ वो है फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, ठीक है, जिससे मलेरिया फैलता है यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उसके काटने से क्या होता है कौन सा वायरस फैलता है के अंदर कौन सा मलेरिया फैलता है, याद रखना ये हम किसी चीज़ के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं लेकिन छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या होते हैं इन बीमारियों को अपने पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, हमें काटते हैं काटने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है बहुत सारे वायरस को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
ठीक है, जब वो अपने जो नॉब होती है वो अंदर आ जाती है तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है वायरस तरफने लग जाता है, वायरस क्या होता है जिंदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं बहुत सारे बीमार होते हैं जिसको मलेरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है फीमेल एडिस मस्किटो, यानी कि एक फीमेल होती है यानी कि मादा एडिस मस्किटो मच्छर की वजह से एक और बीमारी होती है उसको डेंगू बोलती है। यानी मैंने दो मच्छरों की दो प्रजाति आपको बता चुकी है, एक तो होती है मादा एनिफिलीज जिससे मलेरिया होता है, दूसरा मादा एडिस मच्छर होती है जिससे तुम्हारे क्या होता है डेंगू फैलता है, ये दोनों बीमारियाँ होती है। ठीक है, तो ये सारी मच्छरों से बीमारियाँ होती है। ठीक है, जैसे आप चौपाटी पर जाओगे किसीमगढ़ की चौपाटी या बड़ी शाम के टाइम जाओगे संध्या में तो आपको बड़े बड़े साइज के मच्छर मिलेंगे जो आपने देखे ही होंगे, हमारे घर में जो छोटे साइज के वो बड़े साइज के होते हैं, बड़े अजीब होते हैं, आप देखोगे तो आप एक बार थोड़ा डर जाओगे। तो क्या होते हैं मच्छर के अलग अलग प्रजाति होते हैं, उनसे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और वायरस ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे बॉडी में, तो ये कम्युनिकेबल भी हो सकता है और अनकम्युनिकेबल भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और अनडायरेक्ट कैसे भी ट्रांसफर हो सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आते हैं मच्छर जितने भी प्रजाति मैंने कहा था सारे के सारे अपने पानी के आसपास फैलते हैं, और पानी में भी ऐसा है कि जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है। ठीक है, कभी बहते हुए पानी के अंदर मच्छर पैदा नहीं होते, हमेशा रुके पानी के अंदर ही मच्छर पैदा होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो अपने अंडे किस पर देते हैं पानी के सरफेस पर देते हैं, जो क्या होता है कि उनके अंडे पानी के सरफेस के ऊपर देते रहते हैं, टाइम के साथ क्या होता है लार्वा निकलता रहता है, वो बड़े होते जाते हैं और फिर निकल जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों से मच्छरों से बचाव करने के लिए क्या होता है पानी को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। जैसे बरसात होती तो हमारे छत के ऊपर बहुत सारे बर्तन पड़े होते हैं, टायर्स होते हैं, इन चीज़ों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, टाइम के साथ क्या होता है फिर मच्छर पैदा होता चलते हैं, बहुत सारे बीमार होते हैं, थोड़ा टाइम आप देखोगे देखोगे फिर कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो क्या होता है पानी को कभी रुकने नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया वगैरह फैलते रहते हैं। ठीक है, तो या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब पानी रुक जाता है तो उसके अंदर केरोसिन या पेट्रोल डाल देते हैं, ताकि क्या होता है वो उसके अंडे डूब जाते हैं, वो तो हम कभी पढ़ेंगे सल्फेट डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, पश्चात नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम कभी नेक्स्ट कभी आगे पढ़ेंगे तो मैं जरूर बताऊँगा। ठीक है, इतना तो हमें पता चलेगा। अब देखो वुमेंस के अंदर कौन कौन से कॉमन जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में बता देते, तो आपके अगर ग्रुप खोलोगे तो आपके यहाँ पे एक टेबल लिखी हुई है। ठीक है, ये टेबल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारी एक साथ डिटेल दे दी कि कौन कौन सी बीमारियाँ कैसे फैली है उनका नाम भी बता दिया। मैं आपको बोलता जाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वुमन डिजीज लिखा हुआ है, वुमन डिजीज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, अब ये किसके ध्यान में क्या हुआ पॉजिटिव माइक्रोजन यानी किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलता है, एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन क्या होता है ट्रांसमिशन मोड इनका क्या होता है एयर यानी कि हवा के द्वारा एक जगह से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है ट्रांसफर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में देखो कि द पेशेंट इज कंप्लीट आइसोलेशन इफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोस ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन इज गिवन एट सुटेबल एज, अब ये कह रहा है कि जो रोगी होता है उसको कंप्लीटली आइसोलेशन करना चाहिए यानी उसको दूसरे लोगों से तो कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए, दूसरे लोगों को जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको दूर रखना चाहिए होता है। ठीक है, और साथ में उनके टाइम टू टाइम टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ दे रखी है आपको, यहाँ पर दे रखा है बीएलसिक्स यानी कि फसला दे रखा है, चिकन पॉक्स, पोलियो, क्लोरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या मलेरिया, ये सारी बीमारियाँ दे रखी है आपको, ये सब पढ़ना ऑनलाइन करना है एग्जाम में कभी भी ये नहीं बताएगा कि कौन सी बीमारी कैसे कह रही, हो सकता है ये कम्प्लीट चार्ट हो कि जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वुमेंस के अंदर कौन कौन सी बीमारी है तो उसको कम्प्लीटली आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले तो कोई एयर फेस के नीचे वाटर दे दिया और लास्ट में देखो मस्किटो, इसमें तीनों दे दिए। ठीक है, एयर के थ्रू भी फैल गया, वाटर के थ्रू भी फैल गया, मस्किटो के थ्रू भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, अब इसके नीचे मैं आ जाता हूँ अगला पॉइंट आ रहा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स यानी कि माइक्रो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा जानवरों के अंदर भी बहुत सारी बीमारियाँ चली जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कुत्ते होते हैं उनके मतलब शरीर पर से बाल उड़ जाते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने टाइम के साथ देखा होगा कि बहुत सारे जानवर जो होते हैं जिनकी स्किन नीचे लटक जाती है, उनके फूट उड़ जाते हैं, उनके सींग खिलने लग जाते हैं मतलब वो टूटने लग जाते हैं, उनके सींग हो गए या फिर पंजे हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अभी बीमारी किसके कारण होती है वो होती है एंथ्रेक्स के द्वारा होती है। ठीक है, जानवरों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके द्वारा जो बीमारी उसको बोला जाता है एंथ्रेक्स होता है। ठीक है, ये बीमारियाँ जीवाणु के अंदर चली जाती है, तो ये क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग काम करते हैं, अगर ये जाता है कुत्तों के अंदर, ठीक है, यानी कुत्तों के अंदर कोई भी डिजीज या बीमारी फैलती है तो उनके बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, उनकी लार टपकने लग जाती है, वो ज़्यादातर उनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है हीट प्रोड्यूस होती है कि फिर वो या तो नाली में बैठे रहते हैं या फिर कीचड़ में बैठे रहते हैं,
ठीक है। और अगर ये जैसे गाय घोड़े की बात करें तो उनके क्या होता है कि उनके जो खुर होते हैं पैरों के जो नीचे वाले होते हैं ब्लैक कलर के या सिंह होते हैं, ये इनके क्या है टूटने लग जाते हैं, धीरे धीरे टूट टूट के गिरने लग जाते हैं। तो ये जानवर के अंदर बीमारी होती है उसको बोला जाता है एंथ्रेक्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा जाती है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। हमने दोस्तों पढ़ी कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है और एनिमल्स के अंदर होता है। अब जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी डिजीज फैलती है, वो भी किसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने ये देखा हो कि आप नॉर्मली देखता हो कि मधुमक्खी जो होती है मधुमक्खी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती है, तो आपको पता है कि परागण लेके जाती है अपने साथ में, तब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर मतलब भोजन वगैरह पकता है फसलें पकती है होता है। तो ये मधुमक्खियाँ क्या करती है बहुत सारे बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में वगैरह से क्या होता है कि किसी प्लांट्स के अंदर वायरस या बीमारी टाइप की कुछ फैल जाते हैं, यानी कि किसी की फसल पूरी खराब हो जाती है किसी न किसी सभी अपने टिड्डे चल रहे हैं, तो टिड्डों के अंदर भी बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो क्या होती है कि फसलें खराब हो जाती है, ठीक है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं बहुत सारी फसलों के अंदर बहुत सारी जीविका होती है, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है वायरस या प्लांट्स की या बैक्टीरिया के थ्रू उसके अंदर फूल आना बंद कर दे या फूट आना बंद कर दे या उनकी ग्रोथ कम हो जाए या फिर उनके टाइम के साथ वो मर जाए खत्म हो जाए सूख जाए। तो ये अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग तरीके से होती है, जैसे उसकी डिटेल्स में मैं बता देता हूँ या एक टेबल दे देखिए आपको आई थिंक बुक में अच्छे से देखिए। यानी क्या होता है कॉमन प्लांट डिजीज को बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें कुछ कॉमन बता रखे ज़्यादा नहीं बता रहा डिटेल। देखो पहले देख लिखने का यहाँ पर सीटस कैंकर यानी कि नींबू कैंकर बोलते हैं उसको, ठीक है। इससे कौन सा बैक्टीरिया सॉरी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, और किसके द्वारा फैलता है एयर के द्वारा फैलता है, नीचे देने का रस्ट ऑफ वीट यानी कि वीट का रस्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी किसके द्वारा फैलता है फंगस के द्वारा कवक के द्वारा बोलता है, और एक कब होता है खासकर कि जब बरसात का सीजन होता है फंगी सब सबसे ज़्यादा होती है, सबके घर में खाने होते हैं खाने की चीज़ होती है चाहे वो ब्रेड हो चाहे पास्ता हो उसके अंदर आप देखो कि अंदर नीचे से ब्लैक ब्लैक कुछ जम जाता है तो वो फंगी होता है, ठीक है। और ये तीनों की तीनों बीमारियाँ हैं, यानी कि आपको दो टेबल लाइन करनी है, एक तो वुमन वाली करनी है किसके लिए करनी है ये प्लांट फॉलो के लिए करनी है, ठीक है। अब आपने तीनों चीज़ों को पढ़ लिया है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों के अंदर हमने एक चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कि हमने ये देखा है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होते थे या तो एयर के थ्रू होते थे। देखो जितने भी टेबल देखिए यहाँ पे एयर लिख रखा है वाटर लिख रखा है या डायरेक्ट मॉस्किटो लिख रखा है, ठीक है। इधर भी देखो बैक्टीरिया सॉरी एयर ट्रांसमिशन यहाँ पे एयर दे रखा है यहाँ पे इंसेक्ट दे रखा है, यानी कि अभी तक हमने फूड की बात नहीं करी है, यानी कि फूड के द्वारा एक फूड जो है भोजन के द्वारा जो बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है ये पूरा अलग ही प्रोसेस आ जाता है। अब इसके अंदर कैसे कैसे बैक्टीरिया फैलते हैं क्यों क्यों फैलते हैं ये पूरा प्रोसेस अलग आता है, यानी कि हमने एयर वाटर और मस्कीटो या बाकी के इंसेक्ट्स के थ्रू फैला हुआ देखा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो होता है फूड पॉइजनिंग, यानी कि पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है जहर, यानी कि जहरीला भोजन। अब जहरीला भोजन कैसे हो जाता है तो आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। हो सकता है कि बाकी जानवरों या बाकी बैक्टीरिया को या बाकी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचाती लेकिन हमें पहुँचाती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज करो कि एक कुत्ता होता है, ठीक है, अब वो आसपास किसी जानवर को मार के खा रहा है, ठीक है, तो मार के खा रहा तो ऑब्वियसली वो मार के खाएगा तो उसके मुँह के अंदर जितने भी लार होते हैं जितनी भी लार होती है वो भी उस मास्क में गिरेगी, ठीक है, बेलता है क्योंकि मुँह से खाएगा और ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब कुत्ता उसको खाता है तो उसकी जो लार होती है, ठीक है, उसमें लार होता है उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है बहुत सारा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उधर भी मक्खियाँ घूमती रहती है क्योंकि आपको पता है मीट के ऊपर या चीज़ों के ऊपर मक्खियाँ घूमती रहती है, तो मक्खियाँ भी क्या करती है उस पर बैठती है, अब बैठेगी ऑब्वियसली उसकी लार के अंदर तो लगेगी बैठेगी, जब उनकी लार लग जाती है तो बहुत सारा बैक्टीरिया लग जाता है। अब वही चीज़ आती है हमारे गले के अंदर खाने पर बैठती है बहुत सारी चीज़ों पर बैठती है पता नहीं किस किस के अंदर चली जाती है बर्तनों पर बैठती है। अब हम वही चीज़ को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि हम खाते हैं तो क्या होता है जो कुत्ते के अंदर जो वायरस था बैक्टीरिया था वो उसकी जो लार था वो हमारे भोजन में आ चुका है, ठीक है। अब हम ये खाते तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे बीमारी स्टार्ट हो जाती है कमजोरी आने लग जाती है या मेरी तरह के दौरे आने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो चुकी है एक तरीके से ये हमारे लिए खतरनाक चीज़ हो चुकी है बुरी चीज़ हो चुकी है कि कभी कभी हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म में फायदेमंद होता है, जैसे दही वाले लोग कुछ कुछ खाने के अंदर ही नुकसान पहुँचाने वाले भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये एक तरीके से जहर का काम करते हैं, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो हमारे घर में आते रहते हैं फैलाते रहते हैं, बहुत सारे कीड़े भी ऐसे होते हैं जो खाने में गिर जाने के बाद पूरे जहरीला फैला देते हैं, ठीक है।
खाना भी रखते हैं कि खाना बना रहे हो तो कीड़े गिर जाए, तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या होता है पॉइजन होता है हमारे अंदर खाने में, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ी है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू या बाकी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या बाकी अदर सोर्सेज, जैसे हम बाहर से सब्जियां वगैरह लेके आते हैं खरीद के लाते हैं, ठीक है, हम उसको धोए नहीं डायरेक्टली यूज करने लग जाए तो उसके बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को हार्मफुल करते हैं। जैसे फूल गोभी लाते हो, पत्ता गोभी लाते हो, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े नहीं खाते हैं, ठीक है, सपोज करो आपने ध्यान नहीं दिया और खाना पका लिया और आप कीड़े खा जाते हो तो हमारे बॉडी के अंदर जहर खेलने लग जाता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज होती है। ठीक है, हमारा आज का सेकेंड प्रोसेस में इतना ही कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि हम थर्ड प्रोसेस में कंप्लीटली नाइट्रो साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पोर्शन इतना ही करना है, इसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद हम थर्ड टॉपिक लेंगे, सॉरी थर्ड पार्ट लेंगे, जिसमें हम नाइट्रो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।